सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फॉर्म फिलअप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर IBPS की तरफ से 8594 रिक्त पदों पर भर्ती के यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर IBPS की तरफ से रिक्रूटमेंट यहाँ रिलीज किए गए, जहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके स्टार्टिंग डेट होने वाले हैं 1 जून 2023 और लास्ट डेट होने वाले हैं 21 जून 2023। तो आइए पोस्ट के इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग सिलेक्शन IBPS। पोस्ट यहाँ पर वेरियस वैकेंसी है 8594। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होने वाली है। एप्लीकेशन सबमिशन आपके स्टार्ट हो गए हैं 1/6/2023 से। सबमिशन आपके एंडिंग डेट होंगे यहाँ पर 21/6/2023। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होंगे। मोड ऑफ एग्जाम यहाँ पर ऑनलाइन होंगे। टेस्ट के डेट यहाँ पर अगस्त 2023 होंगे। इसके अलावा कॉल लेटर जो होंगे, एडमिट कार्ड, वो भी अगस्त में आप डाउनलोड कर पाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। पोस्ट की डिटेल देखते हैं क्या रखी गई है। तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ वालों के लिए यहाँ पर 5538 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 1 AM वालों के लिए यहाँ पर 2485 पोस्ट है। ऑफिसर मैनेजर स्केल 2 के अंतर्गत में जनरल बैंकिंग के अंतर्गत 315 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 IT वालों के लिए 68 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 CA वालों के लिए 21 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 लॉ वालों के लिए 24 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 टर्सरी मैनेजर के लिए यहाँ पर 8 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर वालों के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है। ऑफिसर एग्रीकल्चर वालों के लिए यहाँ पर 59 पोस्ट है। ऑफिसर सीनियर मैनेजर स्केल 3 के अंतर्गत में 73 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। टोटल 8594 पदों पर कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ वालों के लिए यहाँ पर मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 वर्ष तक का एज लिमिट रखा गया है। ऑफिसर मैनेजर वालों के लिए यहाँ पर मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32 वर्ष तक का एज लिमिट रखा गया है। ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर वालों के लिए यहाँ पर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 वर्ष तक का एज लिमिट रखा गया है। ऑफिसर सीनियर मैनेजर वालों के लिए जो यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है वो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 वर्ष तक का। इसके अलावा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन देखते हैं यहाँ पर क्या रखी गई है। तो ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ वालों के यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो कि किसी भी डिसिप्लिन के साथ में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ऑफिसर AM वालों के लिए जो स्केल 1 के अंतर्गत में होगा, यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के साथ में। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, साइकिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा अकाउंटेंसी में जो भी कैंडिडेट होंगे, जो ग्रेजुएट होंगे, उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऑफिसर मैनेजर वालों के लिए यहाँ पर जनरल बैंकिंग वालों के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है बैचलर डिग्री, जो कि 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, जो कि किसी भी डिसिप्लिन के साथ में होना चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, साइकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसके अलावा लॉ, इकोनॉमिक्स वाले जो होंगे उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऑफिसर स्केल 2 IT वालों के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ऑफिसर स्केल 2 CA वालों के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत में सर्टिफाइड होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 लॉ वालों के यहाँ पर आपके पास में लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, जो कि 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर के लिए यहाँ पर प्रेजिडेंट मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर MBA फाइनेंस के अंतर्गत में होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग वाले के लिए यहाँ पर MBA होना चाहिए मार्केटिंग के अंतर्गत में। ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर वाले पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंतर्गत में होना चाहिए, जो कि 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो कि किसी भी डिसिप्लिन के साथ में होना चाहिए, जो कि 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉरपोरेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉरपोरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी वाले जो होंगे वहाँ पर इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे, इसके अलावा बाद में आपके शॉर्ट लिस्टिंग होंगे और इंटरव्यू होंगे, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर आपको करियर का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ जाकर अपने फॉर्म को फिल करके अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पर अपलोड करना होगा फोटोग्राफ के साथ में। उसके बाद में सबमिट का बटन दबाकर सामने जो डिटेल्स दिख रहे होंगे उनको प्रिंट में निकाल लेना है, जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं।
यहाँ पर जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं वो 21 जून 2023 तक अपना आवेदन कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लें। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म से बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले।